नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज भारत बंद है। देश के कई मजदूर संगठनों ने इस भारत बंद का आह्वान किया था। इस वक्त मैं पटना के डाकबंगला चौराहे पर मौजूद हूं, जहां पर एक तस्वीर देखिए कि डाकबंगला चौराहे के चारों ओर अलग अलग मजदूर संगठन यहां पर आए हैं और अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि इस मजदूर संगठन में आंगनबाड़ी की महिला भी हैं और कई AITCU समेत CUCI, मतलब कह सकते हैं कुल मिलाकर कि कई देश के मजदूर संगठन जो हैं यहाँ पर आशा वर्कर भी आए हुए हैं और अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी अपनी अलग अलग मांगे हैं। किसी मजदूर संगठन की वेतन में बढ़ोतरी की मांग है तो किसी प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं और लगातार जो प्रोटेस्ट है, जो नारेबाजी है, वो CM नीतीश कुमार के खिलाफ हो रही है और PM मोदी के खिलाफ हो रही है। हम ये संगठन इनका है बिहार राज्य कमेटी पटना। आप लोग मजदूर संगठन विंग है, क्या मांग क्या है आप लोगों की? मेरा मांग है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो मासिक वेतन भोगी है उनको न्यूनतम मजदूरी 21,000 दे। अच्छा, दूसरा हम लोगों का है जो ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति हो, भारत सरकार सरकारी संपत्ति को बेचना बंद करे और नागरिक संशोधन कानून जो है वापस ले ले, जो संशोधन की गई है। और दूसरा हमारा मांग है जो महंगाई पर लगाम लगाए और सभी बेरोजगार को जो है रोजगार मुहैया हो। तो ये वेतन में बढ़ोतरी को लेकर ये अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साथ ही प्राइवेटाइजेशन को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम कुछ और जो आप प्रोटेस्ट करने आए हैं हम उनसे बात करेंगे। आप बताइए मांगे क्या है आप लोगों की? हमारी मांगे हैं कि श्रमिक विरोधी जो उन्होंने नीतियां बनाई हैं उनको वो वापस ले। श्रमिक विरोधी नीति को सबसे पहले वो वापस ले। कौन कौन सी नीतियाँ जो हैं आपको लग रही हैं कि श्रमिक विरोधी हैं? ठेकेदारी प्रथा, निजीकरण, ये सारे चीज़ जो हैं ये हमारे मजदूर विरोधी हैं। ये इन लोगों को गुलाम बनाने की साजिश है। इसीलिए हम लोग जो यहाँ आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए कि पहले श्रमिक कानून वापस कीजिए, CAA NPR वापस कीजिए। ये हम लोगों के देश के हित में नहीं है, संविधान के विरोध है। लेकिन CA NRC को लेकर भी आपको प्रोटेस्ट है और मजदूर को लेकर भी आपको प्रोटेस्ट जी है? जी हाँ, जी हाँ। तो आप कह सकते हैं कि कई मुद्दों को एक साथ लेकर अलग अलग जो मजदूर संगठन हैं जो पटना के डाकबंगला चौराहे पर आए हैं और अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें सबसे पहले देखिए कि डाकबंगला चौराहे का आलम इस वक्त क्या हो चला है। ये दोपहर का वक्त है और डाकबंगला के चारों ओर सिर्फ लाल झंडे ही देख रहे हैं। अलग अलग मजदूर संगठन के झंडे नज़र आ रहे हैं और लगातार नारेबाजी सरकार के खिलाफ की जा रही है। आप ये तस्वीरें देखिए, पटना का डाकबंगला चौराहा सबसे व्यस्तम चौराहों में से एक पटना का। फिलहाल पटना जो डाकबंगला चौराहा लाल रंग के झंडों से पट चुका है। सबसे ज़्यादा महिलाओं की भीड़ है। खुद जो मजदूर संगठन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आके हम कुछ महिलाओं से ही बात करेंगे और आपको बताएंगे आखिर क्या इनकी डिमांड्स हैं और क्यों ये प्रोटेस्ट कर रही हैं। आज आप लोगों का प्रोटेस्ट है, आप लोग आंगनबाड़ी सेविका हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं? अपने सामान्य काम का सामान्य वेतन सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, हमारी मांग है यही है मुख्यमंत्री से। अच्छा, ये इनकी डिमांड्स है कि आंगनबाड़ी में समान काम समान वेतन लागू किया जाए। कुल मिलाकर कहें तो कई मजदूर संगठन ने एक साथ प्रोटेस्ट किया है, भारत बंद का आज आह्वान किया है। अलग अलग मजदूर संगठन की अलग अलग डिमांड्स हैं और साथ ही CAA और NRC को लेकर भी इनका विरोध है। फिलहाल हम आपको अन्य वीडियो में और भी जो यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं उनकी प्रतिक्रियाएँ दिखाएंगे और ये बताएंगे आखिर क्यों इनको आंदोलन करना पड़ा और आज पटना के डाकबंगला चौराहे पर आकर इनको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।